वालों का भी पता नहीं चला। ओ भाई अब देख सकते हो कितनी फाड़ लग रही है, लेकिन यार इनका जो कलर है यार वैसे। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम फिर से खेलने वाले ट्रेवर से GTA 5 में। और यार आज आप देख सकते हो हम BMW हमने अपनी जो है आज बाइक निकाली, हम कार वगैरह में जा रहे। तो यार आज हम बाइक पे करेंगे जो अपना मिशन करेंगे। यार आज का जो प्लान है यार बहुत ही मस्त है। मतलब आज जो हम चीर फाड़ देंगे आज बल्लास की गैंग को। मतलब यार आज हमको पता चला है कि यार उन्होंने ना कहीं से बहुत ही बढ़िया जो है वो चुराई है लैम्बोर्गिनी। और लैम्बोर्गिनी का यार वो मॉडल कौन सा मेरे को याद नहीं आ रहा, सी से कुछ है, लैम्बोर्गिनी सी करके, मैं उसको लैम्बोर्गिनी सी कहूंगा वैसे तो बल्लास की। और यहाँ पे कहीं पर उन्होंने दुकार के, तो यार मैं जल्दी से जो है गन्स वगैरह लेके जाऊंगा वहाँ पे और यार उनसे जो है वो कार छीन लूँगा, क्योंकि यार वो उस लायक नहीं है। और यार फिर मैं उसकी स्पीड टेस्ट भी कर लूँगा हाथों हाथ, क्योंकि यार स्पीड टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि यार इससे पता चल जाता है कि लैम्बोर्गिनी जो है और कोई सी भी जो कार है क्या वो वर्थ है जो हमने उसके लिए इतनी मेहनत करी है, क्या वो उस चीज़ के लिए काबिल भी थी इतनी हमने मेहनत करी है। तो हम जल्दी से चलते हैं पुलिस वाला जो ये हम आर्मरी ले लेते हैं, क्योंकि यार आर्मरी हमको सूट करेगा और तो सब हम पे हैं। और यार ये जो है गनमैन जो मतलब ये कार बेचता है मतलब बंदूक वगैरह ये हमको जानता है, इसलिए हमने घुसते ही हमसे हाय वगैरह भी कह दिया था। तो हम जल्दी चलते हैं, कुछ और तो हमारे लिए है नहीं खरीदना, हम सिर्फ यही खरीदना आए थे। और हम जल्दी जल्दी भाग के चल लेते हैं, क्योंकि यार वीडियो जो है हम थोड़ी छोटी रखेंगे और जल्दी से जो चुरा के और भाई हम निकल लेंगे, क्योंकि मुझे ना ऐसा सब्र नहीं होता कि यार उन पर इतनी बढ़िया कार कैसे आई, क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी बहुत काफ़ी महंगी। और यार उन्होंने जो है उस पर अपना कलर भी करा लिया, सबसे बुरी बात तो ये लगी। और यार उन्होंने यार वहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी कर रखी है, काफ़ी लेकिन कितनी भी कर ली वहाँ पे एक आध बंदा तो हमारा ग्रुप का फ्रैंकलिन के दोस्त वगैरह मिल ही जाएंगे। और अगर फ्रैंकलिन के दोस्त वहाँ पे मिल जाते हैं तो यार मज़ा तो आ जाएगा। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है सीजे खड़ा हो सेम सीजे सैन एंड्रियास में जो बंदा होता वैसा लग रहा है, लेकिन यार वो नहीं है, ये बल्लास की गैंग के जो बंदे हैं आप देख सकते हो गन वगैरह लेके हैं। तो यार हमने अगर इनमें से किसी को भी मार दिया तो यार सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। यार यहाँ से मुझे दिख नहीं पा रही, मैं उधर को जाता हूँ थोड़ा सा, शायद मुझे दिख जाए और ये शायद मुझे जान दें। और ये पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से, मैं कुर्सी वर्सी पता नहीं क्या कर दिया। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे जो है लोग खड़े, कि इधर खड़ा दो इधर खड़े तीन उधर खड़े, जो वहाँ पे तीन खड़े मुझे लगता है जो कार वहाँ पे उन्होंने हैंगर से में खड़ी कर रखी है। क्योंकि यार चलो इसको पहले हम मार देते हैं अपनी इस वाली बंदूक से ही। और ये हमने इसको जो मार दिया और ये हमको मार रहा है, वो तीनों भी भाई अलर्ट हो चुके हैं और ये सारे अब हमको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पीछे आ रहे हैं, लेकिन पीछे वालों का भी पता नहीं चला। ओ भाई अब देख सकते हो कितनी फॉल्ट लग रही है, लेकिन यार इनका जो कलर है यार वैसे इनका कलर है तो अच्छे कलर में बढ़िया लग रही है, लेकिन यार हम ऐसा रहने नहीं देंगे, इसका कलर हम बाद में बदलवा लेंगे, फिलहाल हम स्पीड टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो यार ग्रुप के बंदे भी आ गए हमारे फ्रेंडलिन के दोस्त, और यार वो मर भी गया, एक ही बंदा यहाँ पे खड़ा था और उन्होंने हमारी हेल्प करने की कोशिश करी, क्योंकि यार वो हमको जानता है, क्योंकि फ्रेंकलिन के सारे दोस्त हैं, हमने कई बार फ्रेंकलिन की मदद करी है तो यार इसलिए भी हमारी मदद कर देते हैं। तो यार फ्रेंकलिन का दोस्त मर गया, हम इसको हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहे हैं, लेकिन यार हम नहीं ले जाएंगे। और यार हम तीन केस हो चुके हैं बैटरी गार्ड में, तो यार जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि यार ये पुलिस ना मुझे बहुत बुरी लगती है, मन कर रहा डिलीट कर दूँ पुलिस को यहाँ से लॉस संतोष से, क्योंकि यार ये सिर्फ हम ही मारते हैं और किसी को कुछ कहते ही नहीं। मतलब उन्होंने भी करी ना, चल मुझे इन्होंने इसलिए मारा क्योंकि यार मैंने यहाँ पे गैंग फाइट कर दी थी, यार गैंग फाइट जो है बहुत गलत रहती है। तो यार हम जो है वहाँ उसी वाले पे चलते हैं, यार वहाँ पे जो है ट्रेवर का जो है हैंगर वगैरह है, तो यार हम इसको वहीं पे छुपा देंगे कुछ दिनों के लिए, बाद में कलर वगैरह करवा लेंगे। और फिलहाल के लिए हम जल्दी से इनको जो है कुत्ता बना देते हैं पुलिस वालों का, पैसे पुलिस वाले पकड़ नहीं पाएंगे। आप देख सकते हो 250 की स्पीड पे भाई जब कोई कार भागेगी ना तो भाई वो हवा से बात करती है इसका मतलब। तो हम जल्दी से भगते हैं इस टाइम, मतलब बहुत सही ये कार मुझे लग रही है चलाने में भी। आप देख सकते हो मतलब भाई ये जो ठुक जाती है ना, मेरा ऐसा मन अगर मेरे पे केस ना होते भाई अभी मैं जितने भी है ना यहाँ पे सबको उड़ा देता तोप से, लेकिन मैं अभी केस से बचना चाहता हूँ और मैं छिनवाना नहीं चाहता। यार मैंने यार बल्ला को मारा है तो बल्लास की जो गैंग है उसको मैंने ख़त्म कर दिया, वहाँ पे तीन चार जो बंदे थे मतलब जितने भी थे वो कितने थे मुझे नहीं पता, मैंने उनको ख़त्म कर दिया। तो यार अब मैंने ये ठुक रही है, क्यों ठुक रही है मैं चल नहीं पा रही यार सही से, तो यार गेम पैड से ना ये सही से ड्राइविंग हो नहीं पा रही, एक तो पता नहीं कैसी सी, लेकिन यार जो भी हो क्या हो रहा है अब मुझे गुस्सा भी आ रहा है हंसी भी आ रही है, मैं क्या करूँ, जल्दी से निकल जाए यहाँ से, बैक ले लेते हैं भाई हम जल्दी को। भाई पुलिस की कार मतलब कुछ कर भी नहीं रही, हो कर भी रही हमारा रास्ता भी रोक रही है, ये ट्रक व्रक आज ही आएंगे हमारी सारी अड़चन जो है ना आज ही आएंगे हमारे जो है रास्ते में। और जल्दी से हमने इनको सरपास कर दिया और यार हम फुल स्पीड में फिर से भगा रहे हैं, और स्पीड
उसकी हम जल्दी से टेस्ट कर लेंगे। वैसे तो हम पहुंचने वाले हैं, अगर हम पे लैम्बर्गिनी ना होती है, कोई ऐसी वैसी कार होती, ये हम पेड़ में अटक चुके हैं। वाह, लैम्बर्गिनी भी बंदर बन चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक लैम्बर्गिनी बंदर कैसे बनते हैं, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया होगा कैसे एक लैम्बर्गिनी को हमने बंदर बना दिया था। मतलब बंदर की तरह सिर्फ ही करना बाकी रह गई है, और बाकी तो भाई बंदर ही लग रही है लैम्बर्गिनी। लेकिन यार जो बात है, इसकी बेइज्जती नहीं करते, बहुत बड़ा यार लग रही है। बस इसको जो है हमको पेंट रीस्प्रे कराना है, और कुछ नहीं कराना। और ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार टकरा रहा, बार बार। खैर कोई नहीं, हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर केस जो उतर जाएंगे जल्दी, आप देखोगे। वैसे तो रास्ता भी जो थोड़ा सा ही बचा है, मैं जीपीएस में आप देख सकते हो कुछ मीटर, आधा मीटर का रास्ता जो बचा है। तो 250 की स्पीड पर अगर ऐसे ही जो है हमारी कार चलती रहती है, मतलब मज़ा तो आ ही जाएगा। और ये छोटे मोटे जो है ना, ये भी हमको परेशान कर रहे हैं, इनकी इतनी बुरी बुरी कार हैं। और खैर इसने तो हमारा थोड़ा सा फ़ायदा करा, वरना हम सीधे ही होते चले जाते। और ये ट्रक जो है ना सबसे बुरे लगते हैं। और यार हमारे केस भी जो उतर चुके हैं, और हम जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और ये स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। और ये मुझे नहीं पता यार केस कैसे इनमें काम करता है, मुझे पता चल जाना किस कैसे उतरते हैं, तो मैं तो भाई एकदम लगाते ही उतार लूँ यार। अगर आपको पता है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को यार लाइक भी कर दो, और हम जल्दी से इसकी स्पीड जो है टेस्ट कर लेते हैं। और ये पता नहीं FPS इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो यार 1, 2, 3 जल्दी से हम इसकी जो है स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। और यार चलो देखते हैं कितनी स्पीड पे टॉप हो जाएगी। मुझे तो लगता है भाई 300 तो सरपास करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की रोड पे भाग रही थी, तो एयरपोर्ट पे तो भाई बढ़िया जानी चाहिए। तो यार भाई ने 260 की जो इसकी टॉप स्पीड है। और यहाँ पे जो है वीडियो ख़त्म करेंगे, क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा लंबी हमको वाली करनी थी, हमको एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी बल्लास की जो है, हमने लैम्बर्गिनी चुरा ली। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है तो यार कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, अगली वीडियो में हम आपकी जो ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना।